यूपी के मिर्जापुर में मंगलवार को दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। यही नहीं, लुटेरे गार्ड की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुलिस अब लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। एक कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि चार बदमाश जो कि दो मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जो कैश वैन का गार्ड है और जो उसके अंदर दो और लोग बैठे थे उन पर वो गोली चलाते हैं। चूंकि इन दोनों लोगों ने उनको रेसिस्टेंस ऑफर किया था तो उन्होंने इन पर गोली चलाई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया, जिसमें कि गार्ड की डेथ हो गई है। और आगे इसमें जैसे इस चीज़ की सूचना हम लोगों को मिलती है, तत्काल जो DIG रेंज सर हैं, ADG जोन सर हैं और तमाम टीमें जो हैं वो इसमें लग गई हैं। CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, सर्विलांस पर काम हो रहा है, मजदूरों को एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे रेंज की टीम, कई सारी टीमें जो हैं एक साथ इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मिर्जापुर में बैंक के बाहर सरेआम गार्ड की हत्या एवं 22 लाख रुपए की लूट से उत्तर प्रदेश भयभीत है। घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सपा मुखिया ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश में घर, दुकान, बैंक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। झूठे इवेंटों, चुनाव और VVIP की आवभगत में ही लगे प्रशासन के पास जनता की सुरक्षा के लिए समय कहाँ है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में LIC के इमरती रोड विंध्याचल शाखा से लेकर बैंक में जमा करने आ रही कैश वाहन के कर्मचारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार की दोपहर डंकिनगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 35 लाख रुपए की लूट लिए। दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई लूटकांड की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। 5 गोली लगने से गार्ड जयसिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैशियर रजनीश मौर्या, पडरी के रहने वाले अखिलेश सिंह गोली लगने से घायल हो गए।